नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने मनोबल के बारे में पढ़ा था। आज हम मनोबल बढ़ाने के लिए सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे। फिलिपो तथा अनेक विद्वानों ने मनोबल उत्पन्न करने के अनेक सुझाव दिए हैं। वे निम्न हैं। मनोबल को उन्नत करने, उसका उचित विकास करने के लिए संगठन एवं प्रशासन को मनोवैज्ञानिक दशाएँ उत्पन्न करनी चाहिए जो मनोबल के लिए आवश्यक हैं। वास्तव में मनोबल व्यवहार का एक मनोवैज्ञानिक रूप ही है। मनोबल बढ़ाने के लिए अग्रलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, इसमें संगठन के लक्ष्यों उद्देश्यों को अगर व्यक्ति के उद्देश्यों और लक्ष्य से जोड़ दिया जाए तो मनोबल उत्पन्न हो सकता है। संगठन और सेवक के लक्ष्यों और उद्देश्यों में एक रूपता उत्पन्न करने से मनोबल प्रबल रहता है। व्यक्ति जब अपने लक्ष्य और उद्देश्य को संगठन के उद्देश्य और लक्ष्यों के रूप में स्वीकार करने लग जाए तब मनोबल की आदर्श व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, ऐसा समझा जाए। दूसरा, संगठन के कार्य की प्रकृति ऐसी हो कि वह व्यक्ति को उसके आदर्श से मिलती महसूस करने लगे। कार्य करने में व्यक्ति को संतोष महसूस हो, उसको दिया गया कार्य उसकी रुचि, अनुभव, योग्यता एवं बुद्धि कौशल से मेल खाता नजर आए तो मनोबल उन्नत रहता है। तीसरा, व्यक्ति यह महसूस करे कि संगठन के निर्णय में उसकी भागीदारी है। उच्च अधिकारी निर्णय लेते समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सलाह ले, उन्हें निर्णय में भागीदार माने तो कर्मचारी उस निर्णय को पूरे मनोयोग से संपन्न करने में जुट जाता है। चौथा, उच्च अधिकारियों का चरित्र, व्यवहार, निष्पक्षता, कार्यशैली, ईमानदारी, कर्मठता और कर्मनिष्ठता अधीनस्थों के लिए आदर्श होता है। अतः पदाधिकारियों को श्रेष्ठतम व्यवहार संगठन में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अधीनस्थ भी उनके पदचिन्हों पर चलकर अपना मनोबल उन्नत होता अनुभव करें। पांचवा है, लोक सेवकों को उचित समय पर उनकी योग्यता अनुसार पदोन्नति मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोक सेवकों को अच्छा एवं उचित जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए उचित वेतन एवं भत्ते दिए जाएं। सेवा शर्तें आकर्षक होनी चाहिए ताकि जीवन पर्यंत यह संगठन में बना रहे, यह उसकी भावना हो जाए। व्यक्ति के कार्यों की उचित सराहना निजी एवं सार्वजनिक तौर पर करनी चाहिए। समय समय पर व्यक्ति के अच्छे कार्यों की सराहना संगठन को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी करनी चाहिए। अच्छे कार्य करने वाले लोक सेवकों की नियुक्ति उसके इच्छित स्थान पर होने से भी उसका मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट है, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के योग्य, अनुभवी, निष्ठावान बाल बच्चों एवं आश्रितों को संगठन में सेवा का मौका देने से भी उसका मनोबल बढ़ता है। आगे हम मनोबल का मापन, मेजरमेंट ऑफ मोरल। कर्मचारियों का मनोबल मापना बहुत कठिन कार्य है क्योंकि यह उनकी अभिव्यक्तियों, व्यवहारों, सोच, विचार, संस्कार, विषय पर और विभिन्न प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। फिर भी अध्ययन, शोध और अनुसंधान के आधार पर मनोबल मापने के लिए अग्रलिखित विधियों या तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अवलोकन द्वारा, दूसरा कर्मचारियों से साक्षात्कार करके, तीसरा है प्रबंधकों द्वारा मनोवैज्ञानिकों से सहयोग लेकर प्रश्नावली तैयार करवाकर कर्मचारियों के विचार मनोबल के बारे में ज्ञात हो सकते हैं। संगठन अभिलेख व प्रतिवेदन तथा डेविस द्वारा विकसित विधि परामर्श विधि के माध्यम से भी कर्मचारियों की भावनाओं को जानकर मनोबल मापने के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। मनोबल और उत्पादकता, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। मनोबल और उत्पादन में प्रत्यक्ष संबंध है। कार्मिकों के उच्च मनोबल अधिक उत्पादन तथा निम्न बलों पर उत्पादन में गिरावट ला सकता है। इस बात को प्रबंधकों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हालांकि ये सही नहीं है कि मनोबल और उत्पादकता सदा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उत्पादकता पर किसी एक घटक जैसे मनोबल का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक दूसरे घटक जैसे व्यक्तिगत संगठक, संगठनात्मक घटक, सरकारी नीति, व्यापार की स्थिति, आर्थिक मंदी व राजनीतिक उत्पादकता के बीच धनात्मक सहसंबंध तो जरूर होता है।
मनोबल और अभिप्रेरणा, मोरल और मोटिवेशन। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक होती है। कर्मचारी आदेशों की अपेक्षा अभिप्रेरणा के माध्यम से कार्य करना अधिक पसंद करता है। आज किसी संगठन की उत्पादकता में वृद्धि कर्मचारी को संतुष्टि प्रदान करके पारस्परिक संबंधों में मधुरता लाकर अधिक की जा सकती है। इस दृष्टि से मनोबल में अभिप्रेरणा मिली हुई है, क्योंकि मनोबल को कार्य करने की क्षमता और इच्छा माना गया है और अभिप्रेरणा कार्य करने की क्षमता और इच्छा के बीच अंतर को घटाती है। अतः अभिप्रेरणा का मनोबल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और यही कारण है जो मनोबल को उन्नत करता है या गिराता है। मनोबल और नेतृत्व, मोरल और लीडरशिप। नेतृत्व और मनोबल में सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कार्य संपादन में अनावश्यक देरी होती है, दोहरे आदेश जारी हो जाते हैं जिनसे निर्देशों का महत्व नून हो जाता है। इससे कार्मिकों का मनोबल गिरता है। आदर्श नेतृत्व कार्मिकों में पहल शक्ति, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, कार्य संतुष्टि और कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करता है। नेतृत्व समूह का मनोबल बढ़ने के लिए अपनी कल्पना शक्ति, चातुर्य, दूरदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होता है। उपरोक्त व्यवस्थाओं में अभाव होने पर मनोबल कम होता है। हमारे देश में अच्छे कार्यों का कोई अतिरिक्त प्रतिफल न मिलने, बुरे कार्यों का कोई दंड न मिलने, राजनेताओं का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों द्वारा आदर्श स्थापित न करने के कारण सिविल सेवकों का मनोबल दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। हमें सावधानी पूर्वक इस समस्या पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। समय रहते मनोबल को कायम रखने में सरकार और प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। प्रबंध को मोटे रूप में दूसरों से कार्य करवाने की कला के रूप में जाना जाता है। अभिप्रेरणा प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था की मानव शक्ति के साथ व्यवहार करता है। इस कार्य को नियोजन, संगठन और वित्तीय कार्य की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि संगठन, नियोजन आदि तो किसी क्रिया के प्रबंध से संबंध रखते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा व्यक्तियों से संबंध रखती है जो कि एक संगठन के प्राय समान होती है। प्रबंध अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब वह कार्य करने वालों से पूर्ण परिचित हो एवं उन तत्वों को ढूंढ निकालने में गतिशील हो जो उनके कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। रॉबर्ट ट्यूबिन के अनुसार अभिप्रेरणा को किसी संगठन में एक व्यक्ति को कार्य शुरू करने और उस पर अंतिम रूप से बने रहने को प्रेरित करती है। डिबीज कहते हैं कि अभिप्रेरणा को एक लक्ष्य या परितोषण प्राप्त करने की शक्ति के विस्तार की इच्छा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एमजे जूसियस के अनुसार अभिप्रेरणा वांछित कार्यपथ का पालन करने हेतु स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने की कला है। डोल्टन मैरफॉल्ड के अनुसार जिसमें प्रेरणाओं, उद्वेगों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं प्रयासों या जरूरतों के माध्यम से मानवीय व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण किया जाता है उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। सीधी भाषा में अभिप्रेरणा उन शक्तियों का मिश्रित रूप है जो कि व्यक्तियों में कार्य शुरू करने, उस पर बनाए रखने तथा उनमें उनकी वर्तमान कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। वास्तव में अभिप्रेरणा किसी भी संस्था की जान है जो संगठन को बराबर गतिशील बनाए रखने की क्षमता रखती है। पहला है अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। दूसरा वित्तीय और गैर वित्तीय साधनों द्वारा दी जा सकती है। तीसरा है परस्पर सहयोग का विकास करती है। चौथा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। और पांचवा इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। अभिप्रेरणा की तकनीकें ये दो प्रकार की होती है, एक है परंपरागत तकनीकें और दूसरी आधुनिक तकनीक है जो वित्तीय भी हो सकती हैं और गैर वित्तीय भी। परंपरागत तकनीकें
ऋणात्मक होती हैं, जिनमें अच्छे कार्य के लिए तो कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता, लेकिन गलत, खराब, अधूरा कार्य करने पर दंड देने का विधान है। यह विचारधारा मानकर चलती है कि व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए ही कार्य करता है। यह विचारधारा मानव को आर्थिक मानव, इकोनॉमिक मैन मानकर चलती है, जो उसे कार्य करने के लिए वेतन आदि के रूप में दिया जाता है। उसे सही मार्ग पर चलने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए भय या दंड के द्वारा रास्ते पर चलाया जा सकता है। इस विचारधारा का पोषण परंपरागत तकनीकें करती हैं। वर्तमान युग में यह विचारधारा विशालकाय भीमकाय उद्योगों संगठन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि मानव अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक जरूरतों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर आज अधिक कार्य करता है। अभिप्रेरणा की आधुनिक तकनीकें मानव के मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखकर कार्य करती हैं। पहला है इसमें नेतृत्व द्वारा अभिप्रेरणा। प्रबंधकों को कर्मचारियों का विश्वास, प्रेम जीतकर कार्य करना चाहिए। कर्मचारियों की समस्याएं, दिक्कतें, उनके अनुभवों को सुनकर प्रबंधकों को उनको दूर करने के लिए नेतृत्व प्रदान करने से कर्मचारियों में विश्वास व प्रेम अर्जित होगा, जो वास्तविक अभिप्रेरणा का स्वरूप होता है। दूसरा है सहभागिता द्वारा अभिप्रेरणा। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागी बनाकर उनके अनुभवों को सुनकर उनके अहम की संतुष्टि प्रदान करने से स्थायी अभिप्रेरणा मिलती है। कर्मचारी ऐसे वातावरण में खुलकर अपने विचार समय समय पर प्रबंधकों के सामने रखते हैं। इसमें विचारों का आदान प्रदान, परामर्श का विनिमय और अनुभवों की भागीदारी होती है, जो अभिप्रेरणा प्रदान करती है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा द्वारा अभिप्रेरणा। मानव स्वभाव में प्रतिस्पर्धा का जन्मजात गुण होता है, अतः प्रबंधकों को कर्मचारियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना चाहिए। चौथा है लक्ष्यों द्वारा अभिप्रेरणा। प्रबंधक कर्मचारियों को अपनत्व की भावना से उत्प्रेरित करें कि उनमें व्यक्तिगत लक्ष्य और लाभ संगठन के लक्ष्य और लाभ से भिन्न नहीं है। पाँचवा है चुनौती द्वारा अभिप्रेरणा। संस्था के लक्ष्यों को कर्मचारियों में चुनौती के रूप में ठीक से रखने पर उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारियों में जोश, उत्साह और उमंग को बढ़ावा देकर लक्ष्य प्राप्ति आसान बनाई जा सकती है। छठा है निष्पादन भावना द्वारा अभिप्रेरणा। कर्मचारियों में कार्य पूरा करने की भावना का विकास जरूरी है। उन्हें सूचनाएं प्रदान करके वांछित मशीनरी यंत्र उपलब्ध करवाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता है। सातवां है मानवीय व्यवहार के माध्यम से अभिप्रेरणा। मानवोचित व्यवहार अभिप्रेरणा का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों के संपर्क में आने पर उन्हें उचित सम्मान दें, उनकी बात सुने, उनकी प्रशंसा करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके सुख दुख में शरीक हों, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि वे अपने श्रम व योग्यता कुशलता का विक्रय कर रहे हैं, न कि स्वयं का। ऐसा करने पर कर्मचारी स्वयं ही प्रेरित होकर संगठन के लिए उत्तम कार्य करने के लिए उद्यत होंगे। आठवां है कार्य के प्रति रुचि एवं उत्साह जागृत करके भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। और लास्ट है इसमें मनोबल में अभिवृद्धि के माध्यम से। प्रबंधकों को चाहिए कि वे समय समय पर कर्मचारियों का इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करते रहें। कर्मचारियों की क्षमता का उन्हें स्मरण कराकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। थैंक यू।